आवाज आ रही है? जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय सियाराम। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तो थोड़ा सा वही मार्गदर्शन करें हमारा। दो से तीन मिनट के लिए आया हूँ, एक दूसरी कॉन्फ्रेंस है उसमें भी रहना है। आज जैन संभाग की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। राम राम भाई साहब, सभी को नमस्कार। नमस्कार, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के खंडवा जिले के जिला अध्यक्ष श्री सेवादास जी, साथ में इस संभाग के प्रभारी श्री मांगीलाल रेडवार जी, सह प्रभारी के रूप में हमारे माननीय श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी, उपस्थित प्रदेश के पदाधिकारीगण, आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री गोपाल सोनी जी, हमारे एक और महामंत्रीगण, साथ में उपस्थित जिले के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, मंडल महामंत्रीगण। योजना ऐसी थी कि मंडल में निवासरत आईटी, सोशल और मीडिया, इसमें हमारे क्रम बने हुए हैं और उसमें सब हमने तय भी किए थे और बनाए भी थे, वो भी सारे पदाधिकारीगण इसमें रहेंगे, तो ऐसे वे भी पदाधिकारीगण। अब चूंकि यहाँ संख्या 17 दिख रही है मुझे, 17 में से 6 पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं और साथ में 2 पदाधिकारी हर संभाग में रहते हैं जो अपेक्षित रहते हैं संभाग की दृष्टि से, तो आठ के बाद में फिर 17 थोड़ी संख्या कम है, ठीक है, कोई अभाव रहा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस एकदम से नया विषय है सब लोगों के लिए, तो इस पर एक बार प्रयास करेंगे। अब चूंकि हमारे अध्यक्ष जी हैं उन पर 2 जिम्मेदारी है, तो महामंत्री थोड़ा सक्रियता से और जिले के जो पदाधिकारी हैं, चाहे आईटी सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, उपाध्यक्ष मंत्री हो, कार्यालय मंत्री, उन सबकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि आगे जो विषय है वो अभी ये सब रखने वाले हैं आपके, हमारे संभाग प्रभारी हैं, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको बस मेरा इतना ही आग्रह है कि जितनी भी हमारी बैठकें आगे होगी, संभागवार हम बैठकें करी थी उसमें तय हुआ था कि जिला सभा बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अब जिला सभा बैठक में ये तय करना है कि हम विधानसभा वार बैठक करेंगे, तो सामान्यता एक विधानसभा में 2-3-4 इतने मंडल होते हैं, तो 2 कहीं पर, 2 कहीं पर, 3 कहीं पर, 4 अभी नई रचना बनी है तो कुछ बढ़ गए, तो उन मंडल में निवासरत सारे जनप्रतिनिधि और उपस्थित हमारे मंडल के पदाधिकारीगण, मंडल कार्यकारिणी पूरी और साथ में उस मंडल में निवास करने वाले हमारे जिले के पदाधिकारीगण हो, प्रदेश के हो, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हो, उनको सबको उसमें शामिल करना, और हमारे सम्मानित विधायक चाहे इस वर्ष हारे हो चाहे जीते हो, उनका हमको उसमें मार्गदर्शन लेना है, साथ में संभाग के और हमारे जिले के पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे। अब उसमें संख्या का आता है कि संख्या, तो संख्या कम से कम उसमें 50 प्लस रहे, इसका हमको सबको प्रयास करना है, और 50 प्लस नॉर्मल है क्योंकि एक मंडल की जो हमारी पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी सदस्य मिलाते तो 21 होती है, और जैसा मैंने बताया कि हमारे 63 हमारे जो है 3 मंडल के कार्यकर्ता होते हैं अकेले मोर्चा के, जनप्रतिनिधि और बाकी अन्य लोगों को मिलाएंगे तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो कहीं भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो विधानसभा स्तर पर तो उसमें ध्यान रखें कि हम कम से कम 3 मंडल के हमारे पूरे कार्यकर्ता आ जाए 21-21, और साथ में हमारे जनप्रतिनिधि मिलाकर 50 प्लस होना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस तो लोग कर रहे हैं देश में बहुत सारी, मैं देख रहा हूँ लगातार 2-4-5-10 लोग मिलकर लगातार दिन भर यही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है जिस प्रकार से पार्टी में लगातार काम बढ़ा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, एक गीत है, 10 दिशाओं में जाएं दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर इस धरती को नंदन वन सा सरसाएं, और उसमें आगे एक जो पंक्ति है वो महत्वपूर्ण है कि यह मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे और दानवता की बेल बिसेली कहीं नहीं छाने देंगे, इस प्रकार से किसी क्षेत्र को हम खाली नहीं रहने देंगे, वो दानवता की बेल बिसेली चाहे वो कोरोना महामारी COVID-19 का विषय हो चाहे अन्य प्रकार की कोई प्रकार की महामारी, तो हम उसको नहीं छाने देंगे, बिसेली जो है दानवता की बेल उसको भी नहीं बढ़ने देंगे, तो उसके लिए हम सब इसका ध्यान रखें कि कम से कम हमारे पूरे मंडल की कार्यकारिणी और हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग हम उसको जोड़ सके, और उसको जोड़ने के लिए हमारे मंडल में आईटी सोशल मीडिया के और जिले के आईटी सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी, इनको लेना, उसको डाउनलोड कराना, समय से पहले उनसे फोन पर बातचीत करके उनको जोड़ना, क्योंकि संभाग की बैठक कितनी बढ़िया हुई आपने सबने देखा होगा, और उसमें संगठन मंत्री जी सभी बैठकों में रहे, हमारे संभागी प्रदेश की हुई वो भी बहुत अच्छी हुई, इसमें जिला महामंत्री जिला अध्यक्ष अपेक्षित थे वो भी रहे,
उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय संगठन महामंत्री जी रहे थे, साथ में उनका मार्गदर्शन मिला। अब इसी हमारे जो है जिला की है, तो जिले में कहीं कहीं जगह जहां हो सकता है वहां सांसदगण रहेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हर जगह रहने वाले हैं। साथ में आप जब विधानसभा की होगी तो विधानसभा में विधायकगण रहने वाले, तो इस पर थोड़ा सा चिंता करें। और बाकी आप लोग अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा कठिन विषय है, अभी गोपाल जी ने बताया था, मैं थोड़ा सा पहले जुड़ गया, सुन रहा था, जुड़ा तो अभी हूँ, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। बाकी एक आज उज्जैन संभाग की बैठक है, इतनी बात मैं अपनी रखूंगा, बाकी सारे विषय पहले हम बता चुके हैं। कुछ नए इसमें कार्यकर्ता जुड़े हैं अपने पदाधिकारी का, उनको आप लोग ये विषय पूरा नीचे तक बताएंगे। यही आशा यही अपेक्षा है, अच्छा कार्य करें, बढ़िया सेवा का कार्य करें, अपने और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, आपका और आपका परिवार स्वस्थ हो, आपके उत्तम स्वास्थ्य की चिंता मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बस यही रखने थे आपके बीच में, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आप सभी ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय का मार्गदर्शन अभी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आप सभी लोगों ने सुना है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे संभाग प्रभारी जी मांगीलाल जी थोड़ा सा कार्यकर्ताओं के बीच में विषय रख दें, तो फिर हेलो मांगीलाल जी, मैं सब आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। मुझे अनुमति है ना? जी भाई सब ठीक है, जय सर, सबको सभी को आदरणीय अध्यक्ष महोदय को दूसरी बैठक में जाना था इसलिए वो प्रस्थान कर गए हैं। आदरणीय मांगीलाल जी भाई सब आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए, ऑडियो आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए, ऑडियो हेलो नितिन भाई, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ साथियों, जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह कुशवाहा जी ने विस्तार से आपको सारी जानकारी दी है, मेरा तरीका कहना है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व इस लॉकडाउन के संकट के समय में जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो अपनी भूमिका सारे प्रदेश में निभा रहा है। और चूंकि संभाग की बैठक भी हो चुकी है और अब ये जिला वाइज बैठक चल रही है, मेरा सेवक राम जी सेवक दास जी आपसे निवेदन है कि आप अब इन बैठकों को अपने विधानसभा तक लेके जाएं। जैसा अध्यक्ष मोदी जी ने कहा है, गोपाल भाई आपकी अपनी सबकी जिम्मेदारी है कि अपन सब इस समय उन कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और संकट की घड़ी के अंदर जो जिम्मेदारी हमको मिली है उसका पालन करें, अक्षरशः पालन करें। और कहीं कहीं दिक्कत आ रही है तो हम और आप एक दूसरे संपर्क में रहते हैं, हमारे साहू जी और कुंदन भैया ये दोनों बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और लगातार संपर्क बनाकर रख करके हम लोग इस कार्य को पूरा करें। जो अध्यक्ष जी की मंशा है उसके अनुरूप हमको काम करना है और सभी एक दूसरे के संपर्क में रहके हमारे मोर्चे के माध्यम से सारे काम को आगे अंजाम दें। आवाज आ रही सुनी जी? हाँ हाँ आ रही जी। तो भाई साहब मेरा यही कहना कुंदन भैया कि बाकी जो गतिविधि है आपके माध्यम से एक बार इनको सब विस्तार से बता दें, मैंने ये अपनी चर्चा रखी है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करता हूँ भाजपा के जिला अध्यक्ष और हमारे मोर्चा के भी अध्यक्ष और खंडवा जिले की भाजपा की शान सेवादास जी से कि वे कार्यकर्ताओं को कोरोना को लेकर जो काम किए जाने हैं और जो किए जा रहे हैं उनके विषय में थोड़ी सी डिटेल जानकारी देंगे। आदरणीय सेवादास जी, वैसा सेवादास जी वैसा आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो नीचे से। हेलो, हाँ अब आ रही आवाज, बोलिए। हाँ जी सेवादास जी, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ
आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश संगठन ने, संभाग संगठन ने जो जिले की बैठक आयोजित की है, इसमें सबका हमारे जिले की ओर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा पूरा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जैसा संकेत ऊपर से संगठन का मिल रहा है, वैसे भोजन वितरण, सूखी सामग्री यदि मजदूरों पर ही बाहर से आए हैं उनको पहुंचाने में क्या सहयोग कर रहे हैं, ऐसा लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है उसके साथ में मिलकर ही हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी काम कर रहा है। हमने जिस प्रकार से रचना की है, हर मंडल में एक सेंटर बनाया है, और सेंटर के माध्यम से जितने भी अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी वो जितने कार्यकर्ता है साथ में पैकेट वितरण करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, और जो भी समस्या जैसे भी आती है, जैसे फोन अचानक आ जाता है, हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था करते हैं। रहा सवाल मास्क वितरण का, जहाँ पर भी मास्क वितरण की आवश्यकता पड़ती है कि मास्क पहुंचाना है, तो हमारे कार्यकर्ता किसी के सहयोग करके अपने जेब से पैसे करके भी वहाँ मास्क वितरण करवाते हैं। केयर फंड जो चल रहा है पार्टी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी अपने कार्यकर्ता पिछड़ा वर्ग मोर्चे में महामंत्री गोपाल जी है, श्रीराम भाई है, अरुण भाई, जितने भी कार्यकर्ता है, जिले की टीम, मंडल की टीम, वो भी लगी हुई है। समय समय पर आपका निर्देश मिलता रहेगा। जैसे पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी साथ में काम करते रहेगी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व ने पहली बार पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया और मुझे आप लोगों ने जिले का अध्यक्ष बनाया, और जिले का अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया। मैं आपका भी आभार मानता हूँ, संगठन का भी मानता हूँ, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा कैसे हम मजबूत कर सकते जिले में, और अच्छी तरह से काम करेंगे, और मैं हमेशा मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे जो राजनीति की जो पहली पहली कड़ी थी, पहला कदम था, वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा रहा है। तो मैं मेरे यहाँ बनने से क्या नहीं, पूरा प्रदेश का नेतृत्व गौरवित हुआ है। तो प्रदेश से मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह जी, पहली बार मोर्चा जिलाध्यक्ष बना, और पहली बार मैं जिलाध्यक्ष बना, इसलिए मैं अपना जो प्रदेश नेतृत्व है, आदरणीय कुंदन जी, रेडवाल जी, लक्ष्मी नारायण जी, आप लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, उसी का परिणाम रहा कि मैं संगठन में काम करते रहा, और संगठन की रीति रीति से काम करते रहा, उसी का परिणाम मैं जिलाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाँ कुंदन भाई, हेलो हेलो कुंदन भाई, 11 बज गए, दूसरी बैठक का टाइम, दूसरी मीटिंग शुरू होनी है। गोपाल भैया, एक वृत्त पत्रक आपको भेजा हुआ है, उस वृत्त पत्रक को पढ़ लेंगे तो लगभग सारी डिटेल आ जाएगी, और बची हुई डिटेल जो है वो आदरणीय अध्यक्ष जी ने सब पहुंचा ही दी है, और आपके साथ में सेवादास जी है ही है। और मैं चाहता हूँ कि इस बैठक को हम थोड़ा सा समाप्त कर दें, क्योंकि 11 बजे से दूसरी संभाग, दूसरे जिले की बैठक शुरू होनी है। तो आप सबकी इजाजत है अध्यक्ष जी? ठीक है क्लोज करके जयराम जी के साथ, जयराम जी के साथ, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।